बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम कमिंग अप विद अ न्यू रेसिपी, सो लेट्स बिगिन। सो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनीस विथ वाइट सॉस और थोड़ा सा पाकिस्तानी टच पे ऐड करेंगे, और कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं वो अगर आप अवेल करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमने डाला एक पतीली में जिसमें हम बना रहे होंगे, देगची में, फ्राइंग पैन में, जिसमें भी ऑयल। देन आपने प्याज, टमाटर और रेड चिली को ब्लेंड कर लेना है। इसके साथ ब्लेंड करने के बाद नमक, रेड पेपर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा, थाइम जो कि एक इटालियन स्पाइस है, ओके। और उसके बाद आपने टोमेटो केचप डालना है विथ चिली सॉस, और जो मैंने चिली सॉस टोमेटो केचप जो डाला है वो भी मैंने चिली गार्लिक डाला है। सो इस टाइम पे डाल रहा है विनेगर। सो उसके बाद आपने ऑयस्टर सॉस डालनी है और सोया सॉस डालनी है, जिससे इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा इस टाइम पर, लाइट सा ब्लैकिश टोन में जो जा रहा है, सो थोड़ा डार्क कलर आपको शो हो रहा है। सो ये बबल कर रहा है तो इट मींस इट्स गुड। सो यहाँ पर डल रहा है, सबसे पहले क्यूब्स डलें, चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर डल रहा है, और ये कनोर का, चिकन का जो मसाला, कनोर वालों के जो नूडल्स मिलते हैं उनका वो जो स्पाइस मिक्स साथ में मिलता है वो है। सो अब ये वाइट सॉस बन रहा है, तो वाइट सॉस के लिए सबसे पहले ऑयल डला और मैदा डला, लाइक 2 टेबल स्पून। सो उसको हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने दिया। कलर चेंज होने के बाद हमने इसमें डाला मिल्क और क्रीम और मायोनीज। ब्लैक पेपर डल रहा है, सो ब्लैक पेपर आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालना चाहें। सो इस टाइम पे अगर आप वाइट सॉस डाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। सो इस टाइम पे जब मैंने डाली थी तो मेरे लिए मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और मैक्रोनीस भी टूट रहे थे, तो आप पहले ही डाल दीजिएगा। सो यस, दिस इज़ द कोट फॉर टुडे, ख़त्म। सो पीस आउट एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।